सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी से, जिसका नाम है भारत की मिट्टियाँ। आप सभी को पूरा पूरा अंदाजा होगा कि किस प्रकार भारत की मिट्टियों से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम हुआ हो और उसमें भारत की मिट्टियों से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। ठीक है, पूछ लेगा चरनोजम किसे कहा जाता, रेंगूर मिट्टी किसे कहा जाता, क्या खादर मिट्टी होती है, क्या बांगर मिट्टी होती है। ठीक है, हमारी खादर मिट्टी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। पूछ लेगा काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा से पूछे गए हैं एग्जामों में मिट्टियों को लेकर। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे, किस प्रकार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक कंसेप्ट डेवलप करेंगे मिट्टियों के ऊपर। आज के बाद आपको मिट्टियों से संबंधित सभी डाउट खत्म हो जाएंगे कि किस प्रकार एग्जामों में मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार पूछे जाएंगे। पूछे जाते हैं उन्हें तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम रिपीट होने की बहुत कम संभावना होती है। अब जो चल रहा है ट्रेंड, उसमें जो है प्रीवियस ईयर कम पूछे जाते हैं, बल्कि उनमें जो है जो नए ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन कहीं और से नहीं बल्कि जो हमारे कंसेप्ट हैं उनसे बनते हैं। यदि हम खुद से क्वेश्चन बनाएंगे कंसेप्ट पढ़ के, तो वही हमारी सहायता देंगे एग्जाम में, ना कि हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे। वो प्रीवियस ईयर कितना परसेंट दे देगा, 4%, 10%, 20%, लेकिन 80% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट से पूछे जाएंगे, जो कंसेप्ट हमारे एग्जाम के लिए बनते हैं। तो उसी कंसेप्ट को आज हम डेवलप करने वाले हैं भारत की मिट्टियों के ऊपर, कि किस प्रकार भारत की मिट्टियों को हम समझ सकते हैं। एक मैप के माध्यम से हम देखेंगे किन किन क्षेत्रों में भारत की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, उनके नाम क्या क्या हैं, उनकी विशेषता क्या क्या है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे बड़े अच्छे से। तो आपका काम है वीडियो को एंड तक देखते रहना। यदि वीडियो को बीच में छोड़ के जाओगे तो कंसेप्ट कहीं ना कहीं टूट जाएगा और वो जुड़ेगा नहीं, या फिर से आपको वीडियो शुरू से देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एंड तक देखना इस वीडियो को और बीच में छोड़ के मत जाना। चाहे ये वीडियो हो चाहे कोई सी वीडियो हो, उसे एंड तक देखा करें, एक बार कंप्लीट देख लें, उसके बाद आपके डाउट खत्म हो जाएंगे किसी उस टॉपिक से जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के नोट्स वीडियो के तुरंत बाद में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने हिमालय पढ़ाया था, हिमालय के नोट्स डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, रेल परिवहन पढ़ाया था, रेल परिवहन के नोट्स भी मैंने डाल दिए हैं। अब जो बारी है वो हम पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टियाँ, इसके नोट्स में तुरंत बाद डाल दूंगा क्लास के। तो आप सभी जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि भारत की मिट्टियाँ किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, पहली चीज़, यानी किन किन राज्यों में पाई जाती हैं। दूसरी चीज़ कि किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। तीसरी चीज कि इनका नाम क्या क्या है। ठीक है, और सर्वाधिक किस क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इन चीज़ों पर बात करेंगे। और साथ में ये भी बताता चलूंगा कि किस प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि पहला ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो यही है कि ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने हमारे भारत में कितने प्रकार की मिट्टियों का वर्णन किया है, यानी हमारे भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां बताई हैं। तो आपका आंसर होगा हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां बताई हैं। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की मिट्टियां बताई हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान हमारी कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारी भोपाल में स्थित है। कहाँ पर, भोपाल में। तो दो क्वेश्चन तो यहाँ से यही पूछे गए हैं कि ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ बताई हैं। तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ बताई हैं, और जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्था है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो हमारी भोपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिट्टियों पर। देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हमारी 4 मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और इन्हीं से भर भर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी छोटी मिट्टियां हैं, यानी कि जो कम क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं, लेकिन उनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो यही वो ही देख लेते हैं हम कि भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिट्टी पाई जाती हैं उनके नाम देख लेते हैं, फिर हम देखते चलेंगे कि इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामों में। तो सबसे पहले वही देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हमारी 4 मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी,
ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। ये हमारा क्रम है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हमारी जलोढ़ मिट्टी, उससे कम क्षेत्रफल पर हमारी लाल मिट्टी, उससे कम क्षेत्रफल पर हमारी काली मिट्टी और सबसे कम क्षेत्रफल पर इन चारों में वो हमारी लैटेराइट मिट्टी, यानी टॉप फोर मिट्टियाँ ये हैं हमारी जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं। ठीक है, सर्वाधिक पर जलोढ़, उसके बाद हमारी लाल मिट्टी, उसके बाद हमारी काली मिट्टी और लास्ट में हमारी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली हमारी मिट्टियाँ, जो कि हमारी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भारत में पाई जाती हैं, टॉप फोर मिट्टियाँ। अब हम एक एक को देखते हैं कि वो किस किस राज्य में पाई जाती हैं और इनकी क्या क्या विशेषता है। ठीक है, जैसे कि हमारी पहली मिट्टी कौन सी है, वो है हमारी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी है हमारी, वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, 43%। कितने? 43% भारत के क्षेत्रफल पर पाई जाती है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। इसे हम कॉप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी? कॉप या कछारी मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका क्षेत्रफल किन किन राज्यों में है? तो इसका क्षेत्रफल जो है उत्तर भारत, ये हमारा उत्तर भारत वाला क्षेत्रफल है, ये उत्तर भारत और हमारी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन नदियों के मुहानों पर, और थोड़ी बहुत हमारी केरल में, यहाँ पर थोड़ी बहुत हमारी केरल में, कुछ हमारी गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, आप ये लाइन देख सकते हैं, ये है हमारी कौन सी? ये है हमारी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, जलोढ़ मिट्टी हमारी कहाँ कहाँ पाई जाती है। जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, पहली बात तो उसे कॉप या कछारी मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। और यह भारत के कितने परसेंट क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो भारत के 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कितना? 43% पर ये पाई जाती है। दूसरा जो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहला तो उत्तर भारत में, उत्तर भारत में, उसके बाद हम थोड़ा देख सकते हैं केरल में, थोड़ी सी केरल में भी पाई जाती है। ठीक है, थोड़ी सी केरल में पाई जाती है। उसके बाद हमारी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन नदियों के मुहानों पर, ठीक है, और थोड़ी सी हमारी गुजरात में पाई जाती है। ये हमारी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, उसके दो भाग हैं, कौन कौन से? खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। देखिए, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? जब नदियां हमारी हिमालयी क्षेत्र से निकली, तो हिमालयी क्षेत्र से वो कंकड़, पत्थर और अपने साथ गाद लेकर आई। उस गाद को इन्होंने क्या किया? उस गाद को उन्होंने इस वाले क्षेत्र पर बिछा दिया। उस गाद को इस वाले क्षेत्र पर बिछा दिया। इसी गाद से निर्माण हुआ हमारी जलोढ़ मिट्टी का। और जलोढ़ मिट्टी हमारी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न बहुत ज़्यादा होते हैं इस वाले क्षेत्र में। यूपी में भी आप देख सकते हैं, पंजाब में आप देख सकते हैं, जो हमारे गेहूँ है, मक्का है, इसका खाद्यान्न बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी जो जलोढ़ मिट्टी है, मुख्य रूप से यूपी और कुछ भाग हमारा पंजाब में पाई जाती है। तो यही कारण रहा कि जो हमारे खाद्यान्न है, वो हमारे यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसी कारण जलोढ़ मिट्टी हमारी सर्वाधिक उपजाऊ हुई। और इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? तो इस मिट्टी का निर्माण जो हुआ, वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई हिमालयी क्षेत्र से मिट्टी जब यहाँ पर आके बिछा दी गई नदियों के द्वारा, तब निर्माण हुआ हमारा किसका? जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी हमारी दो भागों में टूटी हुई होती है। कौन कौन सी? खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। जो हमारी खादर मिट्टी होती है, वो हमारी नई जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर मिट्टी हमारी नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जबकि बांगर मिट्टी हमारी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है ना, जो हमारी खादर मिट्टी है, वो हमारी नई जलोढ़ मिट्टी होती है, और बांगर मिट्टी हमारी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर को आप ऐसे याद रख सकते हैं, नई का मतलब खाने वाली चीज़ क्या होगी? वो नई, यानी आप जो सबसे फ्रेश चीज़ होगी उसे ही खाओगे, तो उसी से आप याद रख सकते हैं। जो हमारी खादर मिट्टी होती है, यानी खाने वाली मिट्टी होती है, वो नई मिट्टी यानी नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जबकि बांगर जो होती है, वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार होती है। देखिए, जैसे कि नदियाँ इस प्रकार बह रही हैं, इन्होंने क्या किया? इस वाले क्षेत्र पर मिट्टी बिछा दी, इस वाले क्षेत्र पर मिट्टी बिछा दी। अब नदियाँ क्या करेंगी? नदियाँ अपने आपकी अपनी घाटी को गहरा करेंगी। जब अपनी घाटी को गहरा करेंगी, तो ये वाली मिट्टी जो है, ये दूर होती चली जाएगी। ये वाली मिट्टी दूर होती चली जाएगी, इस प्रकार दूर होती चली जाएगी, क्योंकि मिट्टी जो नदियाँ हैं अपनी घाटी को गहरा करेंगी, और अपनी घाटी के आसपास फिर से जो नदियाँ हैं वो मिट्टी बिछा देंगी। तो ये वाली जो मिट्टी होगी, ये होगी हमारी खादर, और जो हमारी दूर होती चली जाएगी मिट्टी, नदियों से दूर होती चली जाएगी, वो होगी हमारी बांगर। कौन सी? बांगर। तो जो हमारी बांगर होती है, वो पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। यह बांगर मिट्टी पहले कभी खादर रही होगी,
यह बांगर मिट्टी पहले कभी खादर रही होगी, लेकिन नदियों से दूर हो गई है, इसी वजह से ये उपजाऊ हो गई है, इसीलिए इसे बांगर मिट्टी कहा जाता है। जबकि जो हमारी खादर मिट्टी है, ये समय के साथ नदियाँ नई नई मिट्टी बिछाती रहती हैं, उसी कारण जो हमारी खादर मिट्टी होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी जलोढ़ मिट्टी। एक और चीज़ आपको जलोढ़ मिट्टी से याद रखनी है, वो क्या है कि जलोढ़ मिट्टी में हमारी क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में हमारी प्रचुर मात्रा में यानी सफिशियंट मात्रा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कैल्शियम, चूना पत्थर और हमारा पोटेशियम, ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। आपने देखा होगा जब पंप लगाया जाता है, जब नल की खुदाई की जाती है तो कुछ गांठ निकलती हैं, वो क्या होती हैं, वो कैल्शियम की गांठें होती हैं। किसकी? कैल्शियम की गांठें होती हैं, वो इस चीज़ का प्रमाण है। यदि वहाँ पर ये गांठें निकल रही हैं, आपने सफ़ेद कलर की गांठें देखी होंगी जब नल पंप लगाया जाता है, तो वो गांठें इस चीज़ का प्रमाण है कि यहाँ पर पहले कौन सी मिट्टी थी, जलोढ़ मिट्टी थी। क्योंकि जो हमारी कैल्शियम की वो गांठें हैं वो कुछ नहीं है, वो हमारी हिमालयी क्षेत्र से काट कर लाए गए एक पहाड़ के टुकड़े हैं, और वो मिट्टी के द्वारा मिट्टी में नीचे दबा दिए गए हैं नदियों के द्वारा मिट्टी के नीचे दबा दिए गए हैं। जब खुदाई होती है, जब पंप लगाते हैं, तो वही चीज़ निकलती है। तो इसका मतलब जहाँ पर कैल्शियम के टुकड़े पाए जाते हैं, सीधी सी बात यह है कि वो हमारी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, आप यूपी वाले क्षेत्र में देखते होंगे, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये वाला क्षेत्र जो है, इनमें हमेशा नल लगाते समय ये कैल्शियम की गांठें निकलती हैं। तो इस चीज़ का प्रमाण है, जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है वो इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, यही कारण है कि जलोढ़ मिट्टी में हमारी कैल्शियम, पोटेशियम और चूने की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो हमारी लाल मिट्टी। कौन सी लाल मिट्टी? लाल मिट्टी का कलर लाल किस कारण हुआ? तो लाल मिट्टी का जो कलर है लाल, वो हुआ हमारा कौन सा, किसके कारण? लोहे के ऑक्साइड के कारण। आपने देखा होगा जब लोहे पर जंग लग जाती है वो लाल कलर का हो जाता है, तो वही है हमारा लोहे का ऑक्साइड। उस लोहे के ऑक्साइड के कारण ही हमारी जो लाल मिट्टी है उसका कलर लाल हुआ है। ठीक है ना, उसका कलर लाल हुआ है। आपको लगेगा कि अब लोहा कैसे आया मिट्टी में, जब आप मिट्टी का संगठन देखेंगे तो उसमें लोहा, फेरस, चूना पत्थर, ठीक है ना, फास्फोरस, पोटेशियम, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब होता है वो मिट्टी खाता है, वो मिट्टी नहीं खाता है बल्कि उसका शरीर कहता है कि तुम्हारे अंदर जो कमी है, क्योंकि वो माँ का दूध पीता है उस समय पर, उसे रोटी और पानी से इतनी ज़्यादा जो हमें आयरन है वो नहीं मिल पाती है, हमारे जो कैल्शियम है वो नहीं मिल पाता है, तो उसका शरीर कहता है कि क्यों ना मिट्टी खाई जाए। तो वो बच्चा मिट्टी खाता है, जब मिट्टी खाता है तो उसके अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी पूरी होती है। लेकिन मिट्टी में गंदगी पाई जाती है, वो मिट्टी गंदी होती है, इसी कारण पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, इसी कारण बच्चों को मिट्टी खाने से मना किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे जो मिट्टी खाते हैं वो अपने अंदर की कमी को पूरा करते हैं, कैल्शियम और हमारा जो लोहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि जो हमारी लाल मिट्टी होती है उसका कलर लाल किस कारण हुआ, तो उसका कलर जो लाल हुआ वो लोहे के ऑक्साइड के कारण हुआ। किसके कारण? लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका कलर लाल हुआ। जो हमारी लाल मिट्टी है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट, जो लाल मिट्टी है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए, ये हमारा कौन, क्या है? तमिलनाडु। क्या चीज़ है ये? हमारा तमिलनाडु, ये हमारा तेलंगाना, ये हमारा आंध्र प्रदेश, ये हमारा झारखंड, ये हमारा उड़ीसा और ये हमारा थोड़ा सा पूर्वी एमपी। ठीक है ना, पूर्वी एमपी। तो इन क्षेत्रों में हमारी पाई जाती है कौन सी? लाल मिट्टी। फिर से रिपीट करता हूँ, आप आसानी से मैप से देख सकते हैं। देखिए, पहला तमिलनाडु, दूसरा हमारा तेलंगाना, फिर हमारा आंध्र प्रदेश, उसके बाद हमारा ये वाला हिस्सा झारखंड, ये वाला हिस्सा उड़ीसा और ये वाला हिस्सा हमारा पूर्वी एमपी। तो हमारे किन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वी एमपी। इन क्षेत्रों में हमारी लाल मिट्टी पाई जाती है। यदि पूछ ले कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक किस मिट्टी का क्षेत्रफल है, तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं सर्वाधिक हमारी लाल मिट्टी है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी है? तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक हमारी लाल मिट्टी है। ठीक है, और पूछ ले लाल मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल हमारा तमिलनाडु में है। कहां पर? तमिलनाडु में सर्वाधिक क्षेत्रफल है लाल मिट्टी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लाल मिट्टी से पूछे जा सकते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे?
दक्षिण भारत की सर्वाधिक जो मिट्टी है, यानी दक्षिण भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी फैली हुई है, तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक हमारी लाल मिट्टी फैली हुई है। और राज्य पूछे तो राज्य तमिलनाडु है, और पूछ रहे टोटल कितने राज्यों में है, तो तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी MP, इन क्षेत्रों में हमारी लाल मिट्टी फैली हुई है। और ये दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है, दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है, कौन सी मिट्टी, हमारी लाल मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इससे आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि आपको पता होगा ये वाला क्षेत्र जो है हमारा, ये वाला क्षेत्र जो है ये सूखे का क्षेत्र है, सूखा वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर मानसून बरसात नहीं कर पाते हैं। इसका कारण ये है कि हमारा जो ये है पश्चिमी तट, ये बहुत उठा हुआ है पूर्वी तट की तुलना में। जब ये उठा हुआ है, यहाँ से मानसून आते हैं और इस उठे हुए पहाड़ों के तट से टकराकर वर्षा कर देते हैं, और ये वाला क्षेत्र हमारा सूखाग्रस्त रह जाता है। तो यही कारण है जो लाल मिट्टी है हमारी, वो किस क्षेत्रफल पर पाई जाती है, जहाँ पर सूखा पड़ता है वहाँ पर पाई जाती है। यही कारण है कि जो लाल मिट्टी है वहाँ पर खाद्यान्न नहीं किए जाते हैं। खाद्यान्न मतलब जो हमारे चावल हैं, जौ है, मक्का है, गेहूँ है, जो हम डेली रूटीन में उन्हें खाते हैं, वो खाद्यान्न नहीं किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर, जो हमारे लाल मिट्टी है। अधिकतर लाल मिट्टी में हमारी कैसी चीज़ें बोई जाती हैं, अधिकतर वो चीज़ें बोई जाती हैं जो हमारी वाटर को अपने अंदर रखती हैं, जैसे कि खरबूज। आप खरबूज खाओगे वो पानी से अंदर घुल जाएगा, तो वो उसी लाल मिट्टी में बोया गया है। अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं, मरुस्थली मिट्टी में बोया जाता है। लेकिन सीधा मतलब ये है कि लाल मिट्टी और मरुस्थली मिट्टी दोनों सूखे वाली मिट्टी हैं, और इन पर वो फसलें बोई जाएंगी जो अपने अंदर पानी को रखती हैं, जैसे ककड़ी रही, हमारे तरबूज रहे, खरबूज रहे, ये चीज़ें हमारी बोई जाती हैं लाल मिट्टी और हमारी मरुस्थलीय मिट्टी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे लाल मिट्टी से। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी है, वो है हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी सर्वाधिक किस क्षेत्रफल पर पाई जाती है, या फिर किन किन क्षेत्रों पर पाई जाती है, वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि जो हमारी काली मिट्टी है वो हमारी महाराष्ट्र और आपको पता ही हमारा कर्नाटक वाला क्षेत्र है, तो ये वाला हिस्सा क्या हुआ, ये उत्तरी कर्नाटक हुआ। जब ये हमारा कर्नाटक है ये वाला क्षेत्र, तो हमारा उत्तरी कर्नाटक, यानी महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और ये हमारा MP, इन क्षेत्रों पर हमारी पाई जाती है कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। और ये हमारा थोड़ा सा गुजरात वाला क्षेत्र। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, जो हमारी काली मिट्टी है वो किन किन क्षेत्रों पर पाई जाती है, वो हमारी सबसे पहले हमारी महाराष्ट्र, दूसरी हमारी कहाँ पर, उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, MP, और ये वाला हिस्सा आपने देखा होगा, ये वाला हिस्सा इस प्रकार लटका हुआ होता है यूपी का, ये हमारा कौन सा, झांसी और ललितपुर। तो हम कह सकते हैं झांसी और ललितपुर वाले हिस्से में भी पाई जाती है हमारी कौन सी, काली मिट्टी। ठीक है, झांसी, ललितपुर और थोड़ा सा गुजरात वाला क्षेत्र में हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, तो आपको ये राज्य याद रखने हैं। दूसरा जो आपको याद रखना है, इस मिट्टी का नाम काली मिट्टी क्यों पड़ा, इस मिट्टी का नाम काली मिट्टी इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो निर्माण है इसे काली मिट्टी और लावा मिट्टी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि काली मिट्टी का जो निर्माण है वो दक्कन ट्रैप पर जो काली चट्टाने पाई जाती है उनके टूटने से इसका निर्माण हुआ है। काली मिट्टी ना कि केवल दक्कन ट्रैप की विशेषता है, बल्कि जो हमारा मालवा का पठार है उसकी भी विशेषता है काली मिट्टी। ये जब मैंने आपको पठार पढ़ाए थे, जब भी बताया था, काली मिट्टी हमारी मालवा के पठार की भी विशेषता है। ठीक है, काली मिट्टी को और किन नामों से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है, इसी कारण काली मिट्टी को कपासी खेती के नाम से भी जाना जाता है। इसे रेंगूर मिट्टी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चरनोजम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो आपको ये नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, पहली कपासी मिट्टी क्योंकि इसमें सर्वाधिक कपास किया जाता है इसीलिए इसे कपासी मिट्टी, दूसरा इसे कहा जाता है रेंगूर मिट्टी, तीसरा इसे लावा मिट्टी कहा जाता है क्योंकि जो इसका निर्माण है वो दक्कन ट्रैप पे लावा चट्टानों के टूटने से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम है वो है चरनोजम, इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चरनोजम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि कपास की खेती सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है, तो आपका आंसर होगा काली मिट्टी। कौन सी, काली मिट्टी में की जाती है, इसी कारण काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो मिट्टी है हमारी काली मिट्टी, इसमें सर्वाधिक दल जो जल है उसे धारण करने की क्षमता होती है। किसमें, काली मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है, इसी कारण ये जल को धारण करती है
और उसके बाद सूख जाती है और उसके बाद ये टूटी फूटी सी दिखाई देती है। आपने देखा होगा विदर्भ वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, उसमें एक किसान डंडा लेकर बैठा रहता है और उसके आसपास की जो जमीन है वो टूटी फटी हुई सी दिखाई देती है। तो वो फटी हुई सी जो जमीन है वो कौन सी है? तो वो काली मिट्टी है। कौन सी? काली मिट्टी है। इसका कारण यह है कि काली मिट्टी अपने अंदर बहुत ज़्यादा पानी सोख लेती है। जब पानी सोख लेती है और ऊपर से हमारी धूप पड़ती है तो वो चटक जाती है, वो चटक जाती है, ठीक है। इसी कारण ये जुती हुई दिखाई देती है। जुता हुआ खेत, गांव के बच्चे जानते होंगे कि जुता हुआ खेत कैसा होता है, ठीक है ना। जुता हुआ खेत भी ऐसा ही होता है, उसमें अलग अलग मिट्टी के टुकड़े दिखाई देते हैं। इसी कारण हम काली मिट्टी को जुती हुई खेती के नाम से भी जाने जाते हैं, जुती हुई खेत के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, काली मिट्टी को, जो हमारी काली मिट्टी है वो किन किन क्षेत्रों पर पाई जाती है? तो सबसे पहला हमारा महाराष्ट्र। ये पूछ ले कि सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो वो है हमारा महाराष्ट्र। तो हमारा महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, एमपी, गुजरात और यूपी का ललितपुर व झांसी, इन क्षेत्रों पर हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक हमारी पाई जाती है महाराष्ट्र में। इसे लावा मिट्टी, रेंगूर मिट्टी, कपासी मिट्टी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चरणोजम के नाम से भी जाना जाता है। कपासी मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सर्वाधिक कपास होता है। रेंगूर मिट्टी और लावा मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण दक्कन ट्रैप पर लावा चट्टानों के टूटने से हुआ है, ठीक है। चरणोजम इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, ठीक। और ये जो मिट्टी होती है इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, इसीलिए जल धारण करके जब इस पर धूप पड़ती है चटक जाती है। विदर्भ वाले क्षेत्र में आपने जो फोटो देखा है जिसमें किसान बैठा रहता है वो हमारी काली मिट्टी ही है। आप ये बोलोगे कि ये बात दोबारा क्यों बोली, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो विदर्भ वाला क्षेत्र है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपने देखा होगा कि किसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो विदर्भ वाले क्षेत्र में किसान आत्महत्या कर लेते हैं इस काली मिट्टी की वजह से ही, ठीक है ना। काली मिट्टी की वजह से ही, क्योंकि काली मिट्टी, एक तो बरसात पड़ी, जब बारिश पड़ी तो इसने क्या किया, अपने अंदर सारा जल धारण कर लिया, जबकि इसे जल धारण नहीं करना था बल्कि ऊपरी सतह पर बिखेर देना था ताकि इस पर आराम से जुताई और फसल की जा सके। इसने उल्टा क्या किया, ये अपने अंदर पानी को अंदर की तरफ ले गई और ऊपर वाले हिस्से को सुखा दिया और वो चटक गया। तो इसीलिए विदर्भ वाला क्षेत्र जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है और उसमें किसान सर्वाधिक आत्महत्या करता है, किस मिट्टी की वजह से? तो आपका आंसर होगा वो काली मिट्टी की वजह से, ठीक है। तो ये थी हमारी काली मिट्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है लैटेराइट मिट्टी। कौन सी? लैटेराइट मिट्टी। जो लैटेराइट मिट्टी है उससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, लैटेराइट मिट्टी से संबंधित। उसके बाद हम देखेंगे मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। कौन कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी को उसके बाद हम देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं लैटेराइट मिट्टी। जो हमारी लैटेराइट मिट्टी है इसकी खास विशेषता यह है कि उन क्षेत्रों पर पाई जाएगी, लैटेराइट मिट्टी उन क्षेत्रों पर पाई जाएगी जहां पर सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक धूप पड़ती हो। जो लैटेराइट मिट्टी है हमारी उन क्षेत्रों पर पाई जाएगी जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक धूप पड़ती हो, और वो हमारे जो क्षेत्र हैं वो यही हैं। आपको पता है सर्वाधिक सबसे पहले मानसून कहाँ पर वर्षा करता है? तो केरल पर, ठीक है ना, केरल पर बरसात करता है, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर हुई? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है, और एक हमारे ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, यहाँ पर भी होती है और यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में भी हमारी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक। तो हमारी जो लैटेराइट मिट्टी है वो पूर्वी तट और हमारे, देखिए ये जो है हमारा, ये हमारी इस प्रकार इस वाले क्षेत्र में ये वाली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना, लैटेराइट मिट्टी। तो लैटेराइट मिट्टी हमारी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? जो हमारी लैटेराइट मिट्टी है वो एक तो हमारी पश्चिमी तट दूसरा हमारा सीलोंग पठार पर पाई जाती है, क्योंकि पश्चिमी तट पर हमारी सर्वाधिक वर्षा होती है, पश्चिमी तट पर, और दूसरा जो हमारा सीलोंग पठार है उस पर भी सर्वाधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी, आपने नाम सुना होगा, वो कहाँ पर है? वो इसी वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारी लैटेराइट मिट्टी है उसकी खास विशेषता है वो उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा और धूप पड़ती हो, वहाँ पर हमारी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लैटेराइट मिट्टी। और ये हमारा जो विशेषता है ये हमारे 2-3 स्थानों पर ही पाई जाती है भारत में, वो कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा कौन सा, ये वाला क्षेत्र जो हमारा पश्चिमी तट, दूसरा हमारा सीलोंग पठार, और ये हमारा राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड की और उड़ीसा वाले क्षेत्र में, जो हमारी राजमहल पहाड़ियाँ पाई जाती है उनमें पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी की खास विशेषता ये होती है कि ये अपने अंदर पानी को
अंदर ले जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो इसके ऊपर सिलिका होती है, इसके ऊपर जो सिलिका होती है वो सिलिका अंदर बैठ जाती है और ये मिट्टी छन जाती है। क्या हो जाता है? छन जाती है। इसीलिए जो लेटराइट मिट्टी है इसे कहा जाता है निच्छालन मिट्टी। निच्छालन मिट्टी यानी जो मिट्टी छान दे, ठीक है। इसका कारण ये है कि लगातार जब वर्षा होती रहेगी, जब मिट्टी पर लगातार वर्षा होगी तो आपको, आप सीधी सी बात ये समझिए, आप एक मिट्टी का टुकड़ा लीजिए और उस पर लगातार पानी डालते रहिए तो उससे उसका कलर जो वो अलग बहता चला जाएगा और वो मिट्टी जो है वो एकदम धुली सी मिट्टी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? धुली सी हो जाएगी, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर रेत सा पाया जाता है वो अलग बह जाएगा, पानी के साथ अलग बह जाएगा। तो इसी कारण लैटेराइट मिट्टी जो है सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर पाई जाती है। जब वर्षा उन पर अधिक होती है तो उनसे जो है वो छोटे छोटे मिट्टी के दाने जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इसी कारण जो लैटेराइट मिट्टी है इसे हम जानते हैं किस नाम से? निच्छालन मिट्टी के नाम से। कौन सा? निच्छालन मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। किसका? लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है, ठीक। तो ये थी हमारी मिट्टियाँ। अभी हम बात करेंगे मरुस्थलीय मिट्टी और जो हमारी पर्वतीय मिट्टी रह गई है इन पर भी बात करेंगे। उससे पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने हमारी 8 प्रकार की मिट्टियाँ बताई हैं और जो हमारा मृदा विज्ञान संस्था है वो हमारी भोपाल में स्थित है। जो हमारी टॉप 4 मिट्टियाँ हैं वो है हमारी जलोढ़, लाल, काली और लैटेराइट मिट्टियाँ। सबसे पहले हमने जलोढ़ पर बात की। जो जलोढ़ है हमारी उत्तर भारत के मैदान, और थोड़ी बहुत हमारी गुजरात में, उसके बाद हमारी उसके बाद हमारी जो कावेरी है, ठीक है ना, महानदी है, गोदावरी है, इनके मुहानों पर, और थोड़ी बहुत हमारी केरल में पाई जाती है। कौन सी? जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, भारत के 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है हमारी जलोढ़ मिट्टी। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसे हम कछारी मिट्टी या कॉप मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके दो भाग हैं, पहला खादर मिट्टी, दूसरा बांगन मिट्टी। जो हमारी खादर मिट्टी है वो नई जलोढ़ मिट्टी है, जबकि बांगन मिट्टी हमारी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। तो आपको इससे ये चीज़ें याद रखनी है। दूसरा हम देखते हैं वो हमारी लाल मिट्टी। जो हमारी लाल मिट्टी है उसका कलर जो लाल हुआ वो लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल कलर इसका हुआ। ये मुख्य रूप से हमारे तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, झारखंड और थोड़ा पूर्वी हिस्सा हमारा किसका, MP का, इन क्षेत्रों पर सर्वाधिक हमारी पाई जाती है लाल मिट्टी। यदि पूछ ले सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है तो सर्वाधिक हमारी तमिलनाडु में पाई जाती है। चूंकि इन क्षेत्रों पर वर्षा बहुत कम होती है, इसी कारण इसमें खाद्यान्न नहीं किए जाते हैं। इसमें वो फसलें बोई जाती हैं जो अपने अंदर वाटर कंज्यूम करती हैं, जैसे कि हमारी कौन कौन सी, खीरा है हमारा, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, ये फसल बोई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने उसके बाद बात की हमने किस पर, काली मिट्टी पर, ठीक है। लाल मिट्टी के बाद हमने बात की किस पर, काली मिट्टी पर। काली मिट्टी जो हमारे किन क्षेत्रों पर पाई जाती है तो हमारी महाराष्ट्र उत्तरी कर्नाटक, गुजरात और यूपी का ललितपुर व झांसी और थोड़ा सा एमपी का हिस्सा, इन क्षेत्रों पर हमें पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को जाना जाता है रेंगुर मिट्टी, चरणोजम, लावा मिट्टी और कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सर्वाधिक कपास किया जाता है, ठीक है। और कहा, पूछा जाए लावा मिट्टी क्यों कहा जाता है, तो लावा मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण महाराष्ट्र में स्थित लावा चट्टानों के टूटने से हुआ है, इसीलिए इसे लावा चट्टान भी, लावा मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछ ले कि सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार कहां पर है, तो सर्वाधिक हमारा महाराष्ट्र में है काली मिट्टी का विस्तार, ठीक। पूछे इस पर सर्वाधिक फसलें कौन सी की जाती हैं काली मिट्टी पर, तो कपास की फसलें, कपास की जो फसल है वो सर्वाधिक की जाती है काली मिट्टी पर, ठीक। जो काली मिट्टी है उसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये जल धारण करती है और उसके बाद जब उस पर धूप पड़ती है तो फट जाती है। जब फट जाती है तो जुते हुए खेत के समान दिखाई देती है, इसीलिए इसे स्वतः जुती हुई मिट्टी भी कहते हैं या फिर जुते हुए खेत की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की किस पर, लैटेराइट मिट्टी पर। जो हमारी लैटेराइट मिट्टी है वो उन क्षेत्रों पर पाई जाती है जहां 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, और बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। वो हमारे क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो हमारा पश्चिमी घाट हो गया और हमारा शिलोंग पठार हो गया। पश्चिमी घाट शिलोंग पठार और उड़ीसा तट, क्योंकि जब उड़ीसा तट से यहाँ से बंगाल की खाड़ी से मानसून जाते हैं तो उड़ीसा तट पर भी वर्षा कर देते हैं, ठीक है। तो तीन क्षेत्र आपको मुख्य रूप से दो याद रखने हैं, कौन कौन से, एक तो पश्चिमी घाट और दूसरा हमारा शिलोंग पठार।
ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, धूप भी बहुत अधिक पड़ती है, तो इसी कारण यहाँ पर लेटराइट मिट्टी अधिक पाई जाती है। ठीक है, आपको पता है, आप सीधे शब्दों में अपना लाइफ का एग्जाम्पल लीजिए, किसी मिट्टी पर लगातार पानी डालेंगे तो वो मिट्टी धुल जाएगी और बिल्कुल धुली हुई सी दिखाई देगी। इसी कारण लगातार वर्षा होती रहती इस मिट्टी पर, इसी कारण ये छनी हुई यानी निच्छालन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कैसी? निच्छालन मिट्टी यानी छनी हुई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है हमारी लेटेराइट मिट्टी को। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कौन सी, हमारी मरुस्थलीय मिट्टी और एक और रही हमारी पर्वतीय मिट्टी। इन दो मिट्टियों को और देख लेते हैं, उसके बाद हमारी मिट्टियों से संबंधित सभी जो चीज़ें वो खत्म हो जाएंगी और आपके लिए सफिशियंट रहेगा सभी एग्जामों के लिए। ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, जेल वार्डन, फायरमैन, जितने भी हमारे स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम हैं, प्रीलियम्स तक, वहाँ तक आपका कवर हो जाएगा इस मिट्टियों से संबंधित। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कौन कौन सी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। जिस जिसको वीडियो पसंद आ रही है वो वीडियो को लाइक कर देना, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। आइए हम नेक्स्ट अपनी मिट्टियाँ देखते हैं, जो हमारी दो शेष रह गई हैं। नेक्स्ट मिट्टी देखते हैं, वो है हमारी कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा पाई कहाँ कहाँ जाती है। तो ये हमारी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, समग्र राजस्थान का गुजरात। गुजरात में भी आपने देखा होगा बहुत सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो वह हमारी कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी है। ठीक है, मरुस्थल यानी मरा हुआ स्थल, जहाँ पर हमारा वनस्पतियाँ व जीव जंतु और जो हमारी भूमि है वो मरी हुई हो, जहाँ पर ये वनस्पतियाँ उगती ना हो, उसे कहते हैं मरुस्थल। जो हमारी कौन सी मरुस्थलीय मिट्टी है वो किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, समग्र राजस्थान व गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है। सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक हमारे राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती है, सर्वाधिक राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और जो मरुस्थलीय मिट्टी है, इसकी खास विशेषता ये है कि इसमें एक तो हमारे जो वाटर अंदर कंज्यूम करते हैं वो वाले फल, वो वाली सब्जियाँ, जैसे हमारे तरबूज, खरबूज रहे, ककड़ी रही, वो खीरा रहा ये, और सबसे ज़्यादा बात करें फसलों की तो सर्वाधिक मोटी फसलें जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये फसलें जो मोटे अनाज हैं ये बोए जाते हैं। चूँकि सर्वाधिक हमारी मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है, यही कारण है कि ज्वार, बाजरा के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ठीक है, राजस्थान प्रथम स्थान है किस पर, ज्वार और बाजरा के मामले में। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं वो है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी के आप सीधे सीधे समझ गए होंगे, पर्वतीय यानी जो हमारे हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये हमारी पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी हमारी कहाँ पर पाई जाती है, तो हिमालय के साथ साथ, हिमालय के साथ साथ हमारी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। बात करें भारत की तो भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद बात करें सिक्किम, उसके बाद बात करें हम अरुणाचल प्रदेश, और थोड़ा बहुत हमारा ये वाला हिस्सा जो कह सकते हैं हम थोड़ा बहुत असम, नागालैंड वगैरह हम थोड़ी बहुत। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से हमारी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है कौन सी, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी खास विशेषता है कि इसमें ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस मतलब जो हमारी वनस्पतियाँ होती हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके सड़ने गलने से जो भाप निकलती है, आपने देखा होगा गंदगी जब गाद सी बन जाती है उसे कहते हैं ह्यूमस। ठीक है ना, तो सर्वाधिक ह्यूमस किस में पाई जाती है, तो हमारी पर्वतीय मिट्टी में पाई जाती है। इसकी खास विशेषता ये है कि पर्वतीय मिट्टियों पर हमारी जो वनस्पतियां हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, वनस्पतियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं पर्वतीय मिट्टियों पर। कारण ये है कि नीचे जो हमारी मिट्टियाँ हैं उन पर तो हम फसलें कर लेते हैं खाने के लिए, लेकिन ऊपर वाले क्षेत्रों पर क्या है कि हम फसलें नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर स्वयं की जो घास वगैरह उगती रहती है वो सड़ती रहती है। ठीक है, जीव जंतु मरते रहते हैं, वो सड़ते रहते हैं, तो उसके कारण ह्यूमस पैदा होता है। जो ह्यूमस होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, तो यही कारण है जो हमारी पर्वतीय मिट्टी है इस पर सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। और भारत की एकमात्र मिट्टी है जिसमें ह्यूमस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो हमारी पर्वतीय मिट्टी है। ठीक है, कौन सी, पर्वतीय मिट्टी है। ह्यूमस पाए जाने के कारण जो पर्वतीय मिट्टी है ये कैसे कलर की होती है, तो ये लाल कलर की होती है। कैसे कलर की, लाल कलर की होती है। ठीक है, लाल कलर नहीं कह सकते आप, अम्लीय बोलिए। ठीक है ना, अम्लीय बोलिए। जो हमारी ह्यूमस के कारण जो पर्वतीय मिट्टी है वो कैसी है, तो हमारी अम्लीय है। और अम्लीय मिट्टी में सर्वाधिक चाय होती है, यही कारण है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों पर सर्वाधिक चाय की खेती की जाती है, चाय के बागान लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा चाय के बागान, हिमाचल प्रदेश में चाय के बागान। ठीक है, और पूर्वोत्तर भारत पर आ जाएँ तो वहाँ भी चाय के बागान। ठीक है, तो इसका कारण ये है, चूँकि पर्वतीय मिट्टी में सर्वाधिक ह्यूमस पाई जाती है, ह्यूमस के कारण सर्वाधिक ये अम्लीय होती है, और अम्लीय मिट्टी में सर्वाधिक चाय की खेती की जाती है। इसी कारण जो हमारा हिमालयी क्षेत्र है वो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है हमारा पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद हम एक और मिट्टी पर बात कर लेते हैं, पीट व दलदली मिट्टी।
पीट वह दलदली मिट्टी। दलदली से आप समझ गए होंगे, जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा पड़ेगी वहाँ सीधी सी बात है दलदली मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि वर्षा पड़ेगी तो कींच होगी, कींच गारा होगा, ठीक है, वही होता हमारा दलदली मिट्टी। और सर्वाधिक वर्षा किस जगहों पर पड़ती है, तो हमारा केरल वाले क्षेत्र में पड़ती है, क्योंकि केरल किसके अंतर्गत आता है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। और हमारी एक और क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र जिसे कहते हैं तमिलनाडु का क्षेत्र, तमिलनाडु का तट। तो तमिलनाडु का तट और हमारा केरल वाला क्षेत्र जो है इसमें सर्वाधिक पीट व दलदली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि पीट व दलदली मिट्टी जो है ये उन क्षेत्रों पर पाई जाती है जहाँ वर्षा होती है, पानी निकल नहीं पाता है और गाद जम जाती है, गारा बन जाता है, उसके कारण दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। तो यही कारण है कि वर्षा हमारी सर्वाधिक कहाँ कहाँ होती थी, तो वर्षा हमारी सर्वाधिक केरल, तमिलनाडु और इस वाले क्षेत्र में होती थी। तो यही कारण है कि केरल में सर्वाधिक हमारी कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो सर्वाधिक हमारी पीट व दलदली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा स्थान हमारा तमिलनाडु का है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। लैटेराइट मिट्टी में आपको मैं एक बात बतानी भूल गया कि लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक केरल राज्य में पाई जाती है। लैटेराइट और पीट व दलदली मिट्टी दोनों हमारी सर्वाधिक केरल में पाई जाती है, क्योंकि दोनों की खास विशेषता यह है कि दोनों वहां पर ज्यादा होंगी जहां पर वर्षात ज्यादा होगी, और वर्षात हमारी केरल में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सबसे पहले मानसून ही यहीं आता है, ठीक है। तो पीट व दलदली मिट्टी और जो हमारी कौन सी लैटेराइट मिट्टी है उसका सर्वाधिक क्षेत्रफल हमारा केरल में है, ठीक। तो ये थी हमारी मिट्टियाँ, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से मिट्टियाँ समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना, अपने जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उनसे शेयर करना अगर हो सके तो, ज़रूरी नहीं है, ठीक। और अगर जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना अगर मन हो तो, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि किस प्रकार कंटेंट मिल रहा है, हम ज्योग्राफी लगभग ख़त्म की ओर लेकर जा रहे हैं, अभी हमारा लगभग 2-3 पोर्शन ऐसे बच रहे हैं ज्योग्राफी से जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे हमारे उद्योग धंधे हैं, ठीक है, हमारी वनस्पतियाँ हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारा कृषि वाला पोर्शन है ये पूरा बच रहा है। तो अभी हम इन्हें ही करने वाले हैं, सिंचाई, कृषि, इन सब पर बात करेंगे आने वाले समय में। तो आपका काम है इतने वीडियो को लाइक कर देना और टाइम से वीडियो देखने आया करें। रात को 9 बजे हम लीनियर क्वेश्चन किया करेंगे 4 ऑप्शन के साथ, यानी क्विज़ किया करेंगे, तो आप सभी जरूर आएँ। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप पर कितने क्वेश्चन आते हैं। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ इसी का क्विज़ हुए कितने बजे होगा, तो रात को 9 बजे इसका क्विज़ होगा, तो आप जरूर आना 9 बजे, ठीक है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, नोट डाउनलोड करके इसका दोबारा रिवीजन जरूर करना, वीडियो को 2 बार देखना, ताकि आप अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से कीजिए रिवीजन। थैंक यू।